मात्र 5 मिनट के अंदर कैसे सर्वाइकल का गूदा जो कुंभ उठ जाती है, या जिनको लगता है ये स्वेलिंग है, कई लोग कहते हैं सर्वाइकल में हड्डी बढ़ गई गर्दन की, उसको कैसे ठीक करेंगे घर बैठे, इस बोतल की मदद से 5 मिनट के अंदर इस वीडियो के अंदर जानेंगे। सिर्फ आपको बने रहना है, करना कुछ नहीं है, सिर्फ इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम पाउडर ले लेंगे, थोड़ा सा पाउडर आप कोई भी ले सकते हैं, हल्का सा उस जगह पे डालेंगे जहाँ पर वो गूदा उठा हुआ है, जहाँ पर आपको लगता है हड्डी बढ़ गई है, कुंभ हो गया है या सूजन जैसा आपको लग रहा है, तो वहाँ पर इसको थोड़ा सा फैला लेंगे। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, होता क्या है कि यहाँ से नसें जाती हैं, यही नसें सरदर्द का कारण बनती है, यही नसें सर्वाइकल का कारण बनती है, और फिर ये धीरे धीरे फ्रोजन शोल्डर की तरफ चली जाती है। तो इसको हमें करना क्या है, ये जो होती हैं ये सारी के सारी यहाँ पर सिकुड़ जाती है, एक तरीके से जकड़ जाती है पूरी तरीके से ना, तो हमें इसको रिलीज करना होता है पहले। तो हम करेंगे क्या, हथेली ले लेंगे इतना, देखिए ये पाम वाला ही ले लेंगे, और हल्का हल्का सा यहाँ पर क्लॉक वाइज करेंगे, और उस एरिया पे करेंगे जिस एरिया पर वो कुंभ, वो जो सूजन, वो जो आपको लग रहा है कि वो गूदा सा उठा हुआ सर्वाइकल का, उस एरिया पे हल्का हल्का करेंगे। देखो बहुत तेज करेंगे, सामने वाले को दर्द होगा बहुत तेज, तो आपको बहुत तेज नहीं करना, ठीक है, बिल्कुल आराम आराम से करना है, ठीक है। और ये वाला हाथ आपका ऊपर बना रहेगा, हाथ इसको यहाँ पर क्यों रखते हैं इसकी भी मैं वजह बता देता हूँ आपको, जब हम इसको करते हैं तो सामने वाले की गर्दन बिल्कुल एकदम स्टेबल रहे, एक जगह पे रहे, इस वजह से हाथ को यहाँ पर हल्के से प्रेशर से रखते, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं होना चाहिए नहीं तो सामने वाले को दर्द हो जाएगा। तो आपको हल्का 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 इसको मसल्स को रिलीज करना है, बिल्कुल आराम आराम से, बहुत ज़्यादा ताकत नहीं लगानी है, कभी भैया बहुत ज़्यादा ताकत लगा दी वो सामने वाला और परेशान हो जाएगा, वो कहेगा यार ठीक होने के बजाय और तुम तो दर्द कर दिया। तो इसको आराम आराम से बिल्कुल मसल्स को रिलीज करेंगे, जितनी जकड़न है पहले उसको थोड़ा थोड़ा, देखो क्या है अब पता नहीं किसी को 10 साल से या 15 साल से 5 साल से 2 साल से है तो सही ना, अब वो इतने साल से जकड़ी हुई है तो एकदम से थोड़ी कर देंगे कि हमने बोतल लगाया घुमाया और ये हो गया, ऐसे नहीं होता, थोड़ा सा रिलीज कर देंगे तो उससे क्या है कि जल्दी आराम मिल जाएगा, और तो फिर क्या है, और हम चाहते भी यही है कि फटाफट आराम मिल जाए, क्यों जी करनाल प्लस देखते हो, देखा करो बहुत अच्छी चीज है, देखो ये रिलीज कर दिया, इसके बाद ये असर करना, अब इसको हल्का हल्का सा रबिंग दे देंगे ऐसे, ये देखो इससे क्या होगा, इससे ब्लड सर्कुलेशन एकदम चलेगा, ब्लड सर्कुलेशन चलेगा, बॉडी के अंदर गर्मी, ब्लड गर्म होता है गर्मी बनेगी, उससे क्या होगा कि रिलीज होगा। अब देखिए आ जाते हैं मेन चीज के ऊपर, करना क्या है, एक बोतल ले लेंगे खाली ऐसी, कोई भी बोतल ले सकते हैं, कितनी बड़ी, देखिए इतनी बड़ी बोतल होगी, ठीक है, कोई भी बोतल ले सकते हैं, पानी सोडा कोई भी आपके घर में जो वेस्ट में पड़ी है वो वाली बोतल ले लीजिए, एक ले लीजिए कॉटन की चुन्नी, कॉटन की हो सबसे बेस्ट है। तो इसको हमने करना ये है जी, जहाँ पर इस तरीके से लगा देंगे, देख लीजिए एक बार ध्यान से खड़ा कर दो, और ये कंधे की तरफ से निकाल देंगे जहाँ गुदा है आपका, भाई करना तो गुदा खत्म है ना, तो जहाँ पर गुदा है मेन उसके ऊपर आना चाहिए, ध्यान रखना है। आप दोनों हाथों के बीच में से देखिए ऐसे निकाल के सेंटर पे ले आएंगे ऐसे, ठीक है, खड़ा कर दो, और ये देखिए थोड़ा सा आप खड़े हो जाएंगे भाई, ये ठीक है, फिर यहाँ पर इस चुन्नी को ऐसे करके बांध देंगे और अब वापस बैठा देंगे, बैठ जाइए जी, ये देखिए अब आ गया जी मेन काम, जो बोतल के बारे में बात कर रहे थे, ये बोतल आपने ले ली है यहाँ पर, देखिए एक गांठ बांधी हमने, ये एक ही बांधनी है आपने, और यहाँ पर फिर दूसरी गांठ को इस बोतल के ऊपर यहाँ रखेंगे ऐसे, बोतल को कितना एरिया नीचे होना चाहिए बोतल का, ये बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए, देखिए यहाँ से इसको ऐसे निकाल लिया जी, और आपने इसको ऐसे बांध दिया, ठीक है जी। अब आप चाहें थोड़ा ऊपर नीचे आगे बोतल तो सेंटर में कर लें, कोई ऐसा इशू नहीं है कि थोड़ी ऊपर नीचे बन गई तो परेशानी बढ़ सकती है, कोई परेशानी नहीं बढ़ने वाली, बिल्कुल लेजेंड करके बता रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर आती है मेन चीज़, यहाँ करना क्या है इस बोतल का काम, नट बोल्ट होता है, नट बोल्ट को घुमाते हैं, जितना नट बोल्ट घुमाते हैं उतनी वो चीज़ कस जाती है, उतनी बढ़िया हो जाती है, फिर दोबारा हिलती नहीं, बस वही सेम चीज़ है। इसको पकड़ना है यहाँ पर, एक बार आप यहाँ पर लेकर आइए, यहाँ से पकड़ना है, और ये देखिए जी, ये देखिए, ये देखिए जितना कसेंगे उतनी ज़्यादा जो आपकी सर्वाइकल की C54 जो भी है L54 में जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स है सारी की सारी एकदम ठीक हो जाएगी, कमर से लेकर के सर्वाइकल तक की सारी प्रॉब्लम, ये देखिए रीढ़ की हड्डी सीधी होगी, देखिए अब यहाँ पर एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, ये देखिए ये छोड़ी मैंने तो क्या हुआ, रिलीज हो गई, देखो और फिर से इस बोतल को घुमाया तो फिर क्या हो गया, ये देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीका बता रहा हूँ आपको, एक बार घर पे ट्राई करके देखना जिनके साथ ये प्रॉब्लम है, आपको क्या मज़ा आ गया, चीज़ देखी थी और काम करा, वर्क करा उसने,
इससे आपका सर्वाइकल यूं खिंच जाएगा, ऐसे 5 मिनट के अंदर आप कहोगे यार ये देखो गुदा इसका ऊपर हो गया। हमें पहले पता होनी चाहिए थी ऐसी चीजें। और ये देखिए, यहाँ देखिए आ गया ऊपर की तरफ, अब ये ऊपर की तरफ आया और ये नीचे की तरफ चला गया। तो होता क्या है कि जब ये ऊपर की तरफ आए तो ये ऑटोमेटिक, इनको मैंने बोला नहीं है कि आप पीछे की तरफ आइए या गर्दन ऊपर करिए नीचे, कुछ नहीं बोला मैंने, अपने आप इसने काम करा, जितना घुमाऊंगा उतना कस जाता कसता जाएगा। और दूसरी चीज आप ध्यान रखना, बहुत ज्यादा कसना नहीं है, कभी ऐसा ना हो कोई बुजुर्ग है, कोई बच्चा है, कोई बेचारी लेडीज है, कमजोर है, आपने पकड़ के जबरदस्ती कस दिया, बिल्कुल गलत, बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना। एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, कोई आसपास आपके कोई है जो इस टेक्निक को जानता है उससे एक बार पता कर लीजिए, कोई इशू नहीं है, करिए, मजा आएगा, कहोगे हाँ यार चीज देखी थी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मेरा नाम है नीरज, मैं दिल्ली के अंदर एक न्यूरोथेरेपिस्ट हूँ।